बिहार पुल गिरने से लेकर बजट तक लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आगामी सालों में बिहार में विधानसभा के चुनाव भी है, इसी लिहाज से सभी राजनीतिक दलों ने अभी से दाव पेश लगाना शुरू कर दिया है। जहां बारिश में पुलों के गिरने से खूब किरकिरी हुई, तो वहीं बजट में बिहार का बोलबाला रहा। सांसद में पप्पू यादव से लेकर मीसा भारती तक सब ने बिहार का पक्ष रखा। इन सबसे इतर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में एक बड़ा उलटफेर किया है। मात्र एक साल में ही सम्राट चौधरी की छुट्टी करते हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी है। वहीं डॉक्टर दिलीप जायसवाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की खबर के बाद सीमांचल वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह कुशवाहा वोट का बिखराव हुआ, वह केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं आया है, जो सोचकर बीजेपी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उस पर वे खरे नहीं उतरे और चुनाव में कुशवाहा वोट या तो जेडीयू को या फिर आरजेडी को चला गया। वही सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी हाथ है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा केंद्र की मोदी सरकार को समर्थन देने के बाद से ही सम्राट चौधरी को हटाने की पटकथा लिखी जा चुकी थी। डॉक्टर दिलीप जायसवाल अभी वर्तमान में बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है। वह सीमांचल के कदावर नेता माने जाते हैं, साथ ही एक MLC के रूप में भी वह काफी चर्चित है। लगातार 3 बार से वह विधान परिषद के सदस्य चुने जा रहे हैं। वही लगातार 21 वर्षों से बिहार बीजेपी के कोषाध्यक्ष भी है। बीजेपी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अभी सिक्किम राज्य का प्रभारी बनाया है। बता दें कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल का किशनगंज जिले में माता गुजरी मेडिकल कॉलेज चलता है, जिसके वो निर्देशक भी है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की सीमांचल में काफी गहरी पैठ है। वो वैश्य समाज से आते हैं। उनका इन क्षेत्रों में पिछड़ा, अति पिछड़ा के अलावा मुसलमानों में भी अच्छी खासी पकड़ है। डॉक्टर जायसवाल बिल्कुल साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। जब से वह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बने हैं, तब से खुद अपने ही विभाग पर उंगली उठाते रहे कि विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है। वही डॉक्टर दिलीप जायसवाल के अध्यक्ष बनने के बाद सीमांचल में खुशी की लहर है। इनके बारे में माना जाता है कि उनका सभी राजनीतिक दलों से भी बहुत अच्छे संबंध हैं, चाहे वह JDU हो या RJD हो। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में दिलीप जायसवाल भाजपा के लिए बिहार में कितना अच्छा कर पाते हैं।